अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। रूपनगढ़ स्थित पनीर राजकीय स्कूल में डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। बाड़मेर स्थित राजकीय स्कूल में दो बच्चों ने फाड़े उत्तर पुस्तिका के पन्ने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की अजमेर से, जहां माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, जिसके बाद कार्रवाई देखने को मिली है। रूपनगढ़ स्थित पनीर राजकीय स्कूल में ये डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया। बाड़मेर स्थित राजकीय स्कूल में दो बच्चों ने उत्तर पुस्तिका के पन्ने फाड़े। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी पूरे मामले पर की गई है। और देखिए, जैसे ही डमी अभ्यर्थियों को लेकर के जानकारी मिली, तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई दोनों पर की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अजमेर से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी शुभम भी जुड़ चुके हैं। शुभम, पूरा मामला समझाइएगा और फिलहाल अपडेट क्या चल रहा है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है, दसवीं की परीक्षा आज कुछ दूरी थी और पहला परीक्षा का जो पर्चा था वो अंग्रेजी परीक्षा का होना था, उसी को लेकर के तैयारियां पूरी के लिए भी परीक्षा शुरू हुई, जिसके बाद रूपनगढ़ स्थित पनेर राजकीय स्कूल जो है वहां पर एक डमी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। जो परीक्षार्थी था, जो ऑरिजिनल परीक्षार्थी था, वो परीक्षा देने नहीं आया था उस जगह पे, कोई दूसरा परीक्षार्थी परीक्षा देने आया था, उसको दस्तावेजों की जांच थी और उसको पकड़ा गया और उसको पकड़ने का आगे कार्रवाई अंजाम दिया गया। वहीं बाड़मेर स्थित राजकीय स्कूल में भी दो बच्चों ने उत्तर पुस्तिका जो थी वो फाड़ दी, जिसको लेकर के वहां के जो प्रवेक्षक थे उन्होंने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। वही दसवीं का पेपर था और अंग्रेजी विषय का पेपर था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मामले की कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई में क्या होता है उसके बारे में अग्रिम सूचना दे दी जाएगी। बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।